नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काफी गंभीर इशू, इसको मैं कहूंगा जो हमारी हेल्थ को लेकर ये बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है कि पहली बार ह्यूमन ब्लड में पहली बार प्लास्टिक के छोटे छोटे कण मिले हैं, जिसको माइक्रो प्लास्टिक कहा गया है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और प्लास्टिक तो आपको पता ही है, तो माइक्रो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे कण का मिलना हुआ है हमारे ब्लड के अंदर। तो ये कितना ज्यादा सीरियस है इस वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि इंसान की जो डेथ है वो समय से पहले हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ उसके अंदर उसके शरीर में उसके खून में प्लास्टिक मिला है। तो आज हम इस वीडियो में इस सब बातों को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो नीदरलैंड के जो रिसर्चर्स हैं उनका जो ग्रुप है, उन्होंने एक स्टडी की या फिर कहें कि उन्होंने डिटेक्ट किया है ह्यूमन ब्लड में पहली बार, ह्यूमन ब्लड में पहली बार जो है उन्होंने पता लगाया कि वहां पर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण मिले हैं, जिसको माइक्रो प्लास्टिक जो है वो नाम दिया गया है। क्लियर। और जो ये रिसर्चर्स हैं, जो टेक्निक है, जो एग्जिस्टिंग जो टेक्निक है, डिटेक्ट किया है, एनालिसिस किया है, जिनका जो ये कण है वो 700 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। और जो ये प्लास्टिक मिले हैं, इन प्लास्टिक का जो ये देखें पीईटी, जैसे पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट और पॉलीइथाइलीन सहित 5 अलग अलग सामान्य प्रकार के जो प्लास्टिक श्रेणियों को यहाँ पर निकाला गया है। पीईटी जो ये प्लास्टिक है, इसका यूज बोतल, जो हम पानी पीने की जो बोतल होती है उसमें इस प्लास्टिक का यूज किया जाता है। पॉलीइथाइलीन का मतलब कि जो पॉलीथीन के जो बैग होते हैं, इन प्लास्टिक का यूज उसमें किया जाता है। तो बहुत कॉमन प्लास्टिक है ये जो हमारे शरीर में मिल रहा है। क्लियर। अब माइक्रो प्लास्टिक क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये 5 मिलीमीटर से भी कम व्यास वाले, यानी कि जिनका डायमीटर जो होता है वो 5 मिलीमीटर से भी कम उनका डायमीटर होता है। और जो हम ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी में जो छोटे छोटे बहुत हम मोती का यूज करते हैं ना, उनसे भी छोटे ये कण होते हैं। और ये हमारे समुद्र में जलीय जीवन में बहुत ज्यादा एक हानिकारक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक की वैसे 2 श्रेणियां हैं, प्राथमिक और द्वितीय, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी प्लास्टिक या फिर कहेंगे प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, वो छोटे छोटे कण है जो हम कमर्शियल यूज में उनका यूज किया जाता है, जैसे कि कपड़ा यानी टेक्सटाइल के अंदर इनका यूज किया जाता है, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों या प्लास्टिक के छर्रों और प्लास्टिक फाइबर में पाए जाने वाले ये जो होते हैं, इसे माइक्रोप्लास्टिक या फिर कहेंगे प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक इनको कहते हैं। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक वो होते हैं जो पानी की जो बोतल होती है उन प्लास्टिक को टूट जाना, उनका कैसे टूटना, कि पर्यावरण के कारणों के कारण, जैसे कि सूरज की किरणें होगी, समुद्र की लहरों के संपर्क में आने पे ये जो कण होते हैं वो छोटे 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 टूटते रहते हैं, तो इससे सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण होता है। और सबसे खतरनाक यही है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। अब यहां पर जो रिसर्च की गई है, जो स्टडी किया गया है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि देखिए 22 जो थे यहां पर कहें कि सैंपल लिए गए थे, उन 22 में से 17 सैंपल के अंदर प्लास्टिक के कण मिले, और काफी हेल्थी ये एडल्ट थे जिनके अंदर जो है ये 17 जो यहां पर ब्लड के अंदर प्लास्टिक मिला है। यहां पर 17 में से आधों में से तो पीईटी प्लास्टिक मौजूद था। ये पीईटी का यूज हम जो होते हैं ना पानी की पीने की बोतलों में जिस प्लास्टिक का यूज किया जाता है वो यही है। और 1/3 जो है सैंपल्स के अंदर पॉलीस्टाइनिन मौजूद था, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, भोजन और अन्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और 1/4 नमूनों में जो पॉलीइथाइलीन मौजूद था, जिसका यूज हम प्लास्टिक बैग के तौर पे यूज करते हैं, पॉलीथीन जिसे हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर ये मिला है। अब यहां पर एक बहुत गंभीर करने वाली एक जो रिसर्च है या फिर कहीं ये पॉइंट है कि अपनी तरह का ये पहला संकेत है कि रक्त के अंदर, जो खून के अंदर इतने ज्यादा कण जो है वो मौजूद हुए हैं। और इससे पहले जो स्टडी की गई थी उसमें पता चला था कि जो एडल्ट हैं उनसे भी ज्यादा जो प्लास्टिक, यानी एडल्ट के खून में तो मिला है प्लास्टिक, लेकिन जो शिशु हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मल में माइक्रो प्लास्टिक 10 गुना अधिक है एज कंपेयर टू जो एडल्ट है उनसे।
तो ये जो शिशुओं के अंदर है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ये माइक्रोप्लास्टिक पहुंच कैसे रहा है? प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करने से लगभग एक दिन में लाखों माइक्रोप्लास्टिक जो है वो कण निकले जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, जो ये प्लास्टिक के बोतल जो है वो यूज करते हैं उनसे पानी पीने के लिए। अब आप सोचेंगे सर हमें दिखता नहीं है, अरे भाई वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं। आप बोतल से पानी पियेंगे तो पानी जब ऐसे रिस रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे कण जो है वो बहकर हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो इससे ये हो रहा है। अब यहां पर ये कण पूरे शरीर में फैल रहे हैं जिससे काफी टाइम तक ये हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं। और स्वास्थ्य पर देखो अभी तक कोई प्रॉपर यहां पर कहें कि एनालिसिस या फिर कहीं स्टडी नहीं हुई है कि यहां पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जानकारी नहीं है इसकी। और अध्ययन का परिणाम एक तरीके से इस परिकल्पना को तो समर्थन करता है कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक है मानव शरीर के संपर्क में आने पर जो रक्त, क्योंकि देखिए जो हमारे सामने जो हमारे जो खून है वो क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरे शरीर के अंदर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के आड़े आएगा ये माइक्रोप्लास्टिक जो है, और जिससे बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां जो है वो होने वाली है इंसान को। खैर इसके ऊपर अध्ययन की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा बहुत हम इसकी चिंताओं की बात कर लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है माइक्रोप्लास्टिक से। देखिए माइक्रोप्लास्टिक जो हमारे सामने जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं यानी रेड ब्लड सेल हैं, उनके मेम्ब्रेन्स यानी जो बाहरी जो झिल्लियां होती हैं उनसे चिपक जाती हैं। अब उनसे चिपक जाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं पूरे शरीर में, तो अब यहां पर उनके बाहरी मेम्ब्रेन्स में ये चिपक गई। चिपकने के कारण क्या है, ऑक्सीजन का ये सही ढंग से पूरे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अब गर्भवती महिलाएं होगी उनकी प्लेसेंटा में भी ये पाए जाते हैं, वहीं चूहों के ऊपर अध्ययन करके देखा तो चूहों के में माइक्रोप्लास्टिक भ्रूण से फेफड़ों से दिल दिमाग और अन्य भागों में बहुत जल्दी है ये फैल जाते हैं। और माइक्रोप्लास्टिक जो है वो मानव के जो सेल है, सेल जिनसे पूरा शरीर बना हुआ था, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण क्या है एक साल में लाखों लोगों की जो डेथ है वो समय से पहले हो रही है। सामान्य तौर पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है माइक्रोप्लास्टिक का जो पड़ रहा है वो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, बच्चे हो गए या फिर छोटे छोटे जो शिशु हो गए उनके ऊपर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वल्नरेबल है वो, इतनी ज्यादा उनकी इम्यूनिटी या फिर कहें कि इतना उनका शरीर स्ट्रांग नहीं है कि वो माइक्रोप्लास्टिक को झेल पाए यहां पर। अब माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के लिए सरकार ने कुछ तो कर रखा होगा, हाँ डेफिनेटली कर रखा है, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का खत्म करने के लिए एक स्कीम चलाई गई थी 2019 में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजधानी दिल्ली से। इसको कहा था कि भाई 2022 तक देश के सभी इलाकों में से सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर दिया जाएगा, संकल्प लिया था। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब जैसे आप स्ट्रो देखते हैं, आप पीने के लिए आपने कोई कोल्ड ड्रिंक ली, कोल्ड ड्रिंक में से आपने होता है ना कि जो जूस का गिलास लिया उसमें आपने स्ट्रो डाल के पीनी, या फिर एक चाय का कप देखते हैं वो एक डिस्पोजेबल आप कहते हैं उसको, वो माइक्रो प्लास्टिक में वो प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके का खत्म करने की पहल की गई थी 2019 में। और महत्वपूर्ण नियम जैसे कि इंपॉर्टेंट रूल इसके लिए, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 में कहा गया था कि प्लास्टिक कचरे को क्या करेंगे, पृथक्करण यानी उसे अलग अलग करेंगे, उसे इकट्ठा करेंगे, उसे प्रोसेसिंग करेंगे, उसे डिस्पोजल करेंगे, इस तरीके की यहां पर स्कीम चलाई गई थी, जिससे क्या था कि जितने भी जो लोकल गवर्नेंस है जैसे कि नगर निगम होगी या फिर कोई भी, वहां पर उनको एक साथ आना होगा और इन सब चीजों को खत्म करना होगा। साथ ही साथ एक यहां पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018 जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने क्या किया था EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको और ज्यादा अवधारणा की पेश की थी या इसको कहें कि और ज्यादा विस्तार किया जाएगा यहां पर। इसके अलावा अनप्लास्टिक कलेक्टिव, ये एक वॉलंटियर यानी स्वैच्छिक पहल थी, गवर्नमेंट ने नहीं खुद लोगों ने अपनी तरफ से चलाई थी, जिसमें क्या था कि हमारे जो पृथ्वी के ऊपर जो पारिस्थितिकी और सामाजिक स्वास्थ्य पर जो प्लास्टिक के कारण जो नुकसान हो रहा है उन खतरों को कम करने का प्रयास करेगा ये काम। अब इसके अलावा देखो समुद्री कचरे पर वैश्विक भागीदारी यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैराइन लिटर GPML जिसके शॉर्ट फॉर्म है। देखो मनीला घोषणा में उल्लेखित एक अनुरोध प्रत्युत्तर में GPML को वर्ष 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो समुद्र के ऊपर प्लास्टिक का प्रभाव पड़ रहा है या फिर प्लास्टिक का कचरा फैल रहा है उसको रोकने के यहां पर बात की गई थी। एक लंदन कन्वेंशन 1972 हुआ था जिसके अंदर भी यही बात की गई थी कि जो समुद्र के अंदर जैसे
भारी मात्रा में डंपिंग किया जाता है वेस्ट को, उसको कम करना, उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर कहें कि काफी सारे देशों ने हस्ताक्षर किए थे ताकि समुद्र में जो प्रदूषण है उसको रोका जाए। हर चीज को समुद्र के अंदर नहीं फेंकी जानी चाहिए, बहुत ज्यादा इस मामले में कह सकते हैं कि समुद्री प्रदूषण बहुत हो भी रहा है। फैक्ट्रीज जो है या फिर कहें कि बहुत बड़े जो कारखाने हैं अपना जो सीधा कचरा जो है समुद्र के अंदर डाल रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। प्लास्टिक समझौता, देखिए प्लास्टिक पैक्ट्स, सभी प्रकार के जो प्लास्टिक पैकेजिंग में यूज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें हमें बदलाव लाना होगा, दूसरे तरीके के यूज करने होंगे प्लास्टिक पैकेजिंग को, यूज करने या प्लास्टिक पैकेजिंग होती है उसको कम करने के लिए, फिर उसके लिए अल्टरनेटिव चीजें लानी होंगी यहां पर हमारे। इसके अलावा आगे की राह क्या है, देखिए डिग्रेडेशन मैकेनिज्म एक का संयोजन, देखिए माइक्रोप्लास्टिक के प्रभावी और पूर्व अपघटन के लिए एक फोटो डिग्रेडेशन और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन सिस्टम का यूज एक सुझाव दिया गया था, इसको यूज करना होगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, देखिए दुनिया भर में जो प्लास्टिक के कचरे को निपटाने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस प्रोटोकॉल, इन दोनों को फिर से एक नई संधि की मांग कर रहा है कि फिर से आइए बैठिए और एक नई संधि बनाते हैं और कैसे माइक्रोप्लास्टिक या फिर कहें कि प्लास्टिक को खत्म कैसे किया जाए। और प्लास्टिक संबंधी वैश्विक समस्याओं का समाधान तभी होगा जब देश अपने अपने जो भी तट हैं वहां पर माइक्रोप्लास्टिक की निगरानी करने का निर्णय ले और केवल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग ही उपयोग से ही आदेश को लागू करें, यानी कि बायोडिग्रेडेबल ये होते हैं कि जो नष्ट हो जाएं उनका दोबारा से यूज कर सके। इसलिए प्लास्टिक की खपत को कम करना, देखिए माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के स्तर को में कमी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक की खपत को कम करना होगा। समुद्र तटों पर महासागरों में कूड़ों की मात्रा को कम करने के लिए सरकार या फिर इंडस्ट्री या फिर नागरिक खुद लोगों को सामने आना होगा, मिलकर ये काम करना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर पहल करनी होगी, देखिए व्यक्तिगत स्तर पर पहल, जैसे आप प्लास्टिक बैग यूज मत करिए, आप बोतल में जो प्लास्टिक की बोतल होती है उनमें पानी का उपयोग मत करिए, जितना हो सके अपने बर्तनों का यूज करिए, आप बाहर से सामान लेने जा रहे हैं तो प्लास्टिक बैग नहीं खुद के जो कपड़े का बैग है उसको लेकर जाइए। तो ये जो कदम आप उठाएंगे डेफिनेटली इसमें हेल्प मिलेगी, ये खुद लोगों को भी समझना होगा, सरकार तो कर ही रही है लेकिन लोगों को भी साथ में इसमें आना होगा। एक यहां पर इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, यहां पर ये सब चीजें करनी होगी, जैसे टैक्स में छूट देनी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग लगानी होगी, कैसे यहां पर प्लास्टिक को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि यहां पर प्लास्टिक को कम करने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए सरकार के साथ साथ खुद लोग यहां पर सामने आएंगे। क्लियर यहां पर? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो प्लास्टिक या फिर कहें कि माइक्रो प्लास्टिक जो है आपको समझ में आया होगा कितना ज्यादा गंभीर इशू है। वीडियो पसंद आई है तो बेशक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा ही पसंद आए हैं तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, एज वेल एज चैनल को भी कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही था।